नबील नबील समी, नबील समी इज ही हियर नाउ? या ही सेड ही विल बी जॉइनिंग इन फ्यू मिनट्स। हां जी, वो मतलब उसका मेरे टेक्स्ट आया जी फ्रॉम कनाडा जी। He's coming to UK, I think, in few weeks, isn't it? जी जी, लेकिन he's currently वहीं पे है ना, उसको यही कहेंगे joining from Canada बस। तो ये जो इंटरव्यू है ये डायरेक्ट फेसबुक पे खुद ही जो उनसे लाइव चला जाएगा। जी जी, हमारी जो लोग, हमारी ज्यादा ऑडियंस फेसबुक पे है ना, यहाँ पे तो हम मैक्सिमम 100 के साथ वेबिनार कर सकते हैं, थाउजेंड ऑफ पीपल हु वॉच यू ऑन फेसबुक, इसलिए थोड़ा हम घबरा गए थे ये लाइव क्यों नहीं हो रहा। सही है, फेसबुक के जरिए ऐसे ही है। नहीं, उन्हें अगर जो आपके कॉन्टेक्ट्स हैं ना, उन्हें कहें कि इफ दे कैन हु कैन जॉइन हियर इज एब्सोल्युटली फाइन, बट अदरवाइज गो टू एप्स यूके पेज, एप्स यूके वेबसाइट ना, www.appsuk.org के ऊपर जाके वहां पे दे कैन वॉच एवरीथिंग लाइव। वो बाद में भी हियर होता है, इट विल उसको बाद में हम शेयर कर देंगे। जी जी जी, ठीक है। So I think from my side I'm ready. I think it's only 3 minutes. So should we open the webinar ताकि लोग register मतलब join करना शुरू कर दें? Yeah, that's fine. Tanvir bhai, any questions? नहीं, शुरू मैंने करना है। देख ले, आप कर लें या इरफान कर ले, आप अगर तैयार हैं आप कर लें। नहीं, कर लें तैमूर भाई, कर लें, that's good. ठीक है, सही है। हर दफा हम नहीं कराते, तैमूर भाई को भी कराएं इस दफा। नहीं 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 नहीं, ये मतलब आपने सिर्फ ये वेलकम ही करना है ना, वेलकम। शायद भाई आपका कैमरा थोड़ा नीचे हो सकता है, आपके सर के ऊपर देयर इज अ ह्यूज स्पेस, थोड़ा सा। हाँ जी हाँ जी, थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो तैमूर भाई ठीक है, फिर आपने शुरू करना है, मतलब वेलकम या जो भी आपने सारी बात करनी है, एंड द रोल ऑफ पाकिस्तानी डॉक्टर्स ओवरसीज एंड अपॉर्चुनिटीज इन यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मिडिल ईस्ट, एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जर्मनी। तो उसमें हमारे जो है ना हीरो डॉक्टर अब्दुल रहमान शाहिद, हु इज क्रिएटेड हिस्ट्री बेसिकली, ही इज एक्चुअली हेल्प्ड अ लॉट ऑफ डॉक्टर्स इन कमिंग टू जर्मनी एंड सेटलिंग इन एंड हेल्पिंग विद लैंग्वेज एंड सो ऑन। सो ऑब्वियसली टुडे वी आर गोइंग टू हैव एन इंटरव्यू विद हिम, एज वेल एज वी विल हैव अ डिस्कशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन यूके एज वेल, सो ऑल दैट डिस्कशन, ठीक है। तो अच्छा, नाउ आई थिंक इज ओनली 1 मिनट लेफ्ट, वी हैव टू ओपन द वेबिनार। And after, okay. मतलब अभी साइड के ऊपर ना, मतलब once we go live, we have to keep quiet till Tanvir bhai start. And when we are live on Facebook, मैं चैट में लिखूंगा साइड पे आके, चैट खुद ही याद होगी। Mix in Urdu and English, both. जैसे भी है, जैसे भी है, जैसे भी, ठीक है, ठीक है। तो मैं सिर्फ ना जब as soon as I'm live, and it will not take more than a minute to go live, once I click the final button, and then I will just write Tanvir bhai start, and then you start. And then we'll just go, okay? Okay. Ready? So from now on, we'll just keep quiet. Any communication is through the chat. Okay. Only Nabil is joining, so whenever he joins, he's fine. Okay? Sure. Bismillahirrahmanirrahim. I'm going live now. How was that, Dr. Hafiz?
Assalamu alaikum. Welcome to the APPS UK webinar. Today, actually, the topic is really very unique. Welcome all the doctors who are joining from Pakistan, from UK, from world over, from everywhere in the world. Welcome to the webinar. The topic which we are going to discuss here in this webinar is the opportunities for doctors. A new door has opened in EU, I must say, especially in Germany. Before this, our doctors usually used to apply for the posts in United Kingdom, in USA, Canada, Australia, or other countries like in Middle East and all there. But this time, a new door of opportunities has opened up in Germany. And our Dr. Abdurrahman Shahid is going to let us know how these opportunities can be availed. And you can get your pen and pencil ready. He is going to give us very useful points, how to apply, who are eligible, who are not eligible for these posts. All the junior doctors, the senior doctors, everybody can apply. He is going to guide us through today how we are going to apply. So we have got a couple of participants. We are going to compare how the opportunities in UK and in rest of the EU, or especially with special reference to Germany, will be helpful to us. So I would like to start with introductions. Myself, my name is Dr. Taimur Mirza, and I'm consultant anesthetist and intensive care medicine. I work here in Manchester in United Kingdom. I am part of Association of Pakistani Physicians and Surgeons, UK, since 2004. APPS UK usually helps the doctors in their education, in coming over to the UK, in the works carried out in Pakistan. So all sorts of works are done by APPS UK. In short, we help the doctors and allied subjects to come and work in UK or things like that. So I will now ask our main doctor, Dr. Abdurrahman Shahid, to please introduce yourself. Okay, ji, assalamu alaikum. Main Urdu mein start karunga. Pakistani doctors sab dekh rahe hain hame. और मैं जर्मनी में इस वक्त एज एमरजेंसी मेडिकल डॉक्टर काम कर रहा हूँ और यहाँ पर तकरीबन 2015 से हूँ मैं जर्मनी में. तो मींस के एनेस्थीसियोलॉजी, एमरजेंसी और इंटेंसिव केयर यूनिट, ये तकरीबन तीनों एक ही उसके अंडर आते हैं जर्मनी में, एक ही डिपार्टमेंट के अंडर. तो इसमें फिलहाल काम कर रहा हूँ. पाकिस्तान से मैंने एफएससी की थी, फिर मैंने बीजिंग चाइना से जो है वो अपनी ग्रेजुएशन की मेडिसिन, और फिर उसके बाद मैंने जो है जर्मनी में आके तो यहाँ पर यहाँ का लाइसेंस वगैरह पास किया और फिर अपनी रेजिडेंसी स्टार्ट की. गुड, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अब्दुर्रहमान शाहिद. वी विल कम बैक टू यू इन अ व्हाइल. Now I will ask the Chief Executive Officer of APPS UK, Dr. Abdul Hafiz. I think everybody knows him. He is the main person behind all these webinars and every work which is done in APPS UK. Dr. Abdul Hafiz, can you say a few words about yourself, please? Thank you very much. My name is Dr. Abdul Hafiz. I'm a family physician based in Manchester as well. Association of Pakistani Physicians and Surgeons, jo hai, we are quite, you know, proactive organization, working for last 16 years in the UK. We have helped hundreds of doctors who have come to Pakistan, come from Pakistan and go from UK to Pakistan, both ways, doctors in difficulty, teaching, training, you know, all sorts of other issues as well, and number of projects also run by the organization. Obviously, as Dr. Taimur Mirza has said, this is one of those unique webinars, and there are many more which are on the way.
in terms of providing different opportunities. And today we're going to discuss route to Germany, also update you in terms of what is going on the UK scene as well. Thank you. Thank you very much, Abdul Hafiz Bhai. Dr. Nabeel Sami has joined us from Canada. Dr. Sami, can you please introduce yourself? What is your specialty? And I think you're coming to UK as well. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Dr. Nabeel Sami. I'm a graduate of Baqaya Medical College, and I completed my internship at Baqaya Medical University Hospital in Karachi, Pakistan. I subsequently worked at the Aga Khan University Hospital in departments of pediatrics and radiology, and later on did some rotations at the hospital for sick children. I have also been affiliated with the Ontario IMT School as I teach for the USMLE board review courses and the MCC examinations. Subsequently, I also passed the PLAB exam. So I'm now going to be working in the UK as a clinical fellow in emergency medicine with a special interest in pediatric emergency medicine due to start in the winter of this year. So I do take an interest in counseling IMGs as far as routes to practicing and to training in various Western countries. Fantastic. Thank you. And Dr. Irfan Rashid, please introduce yourself, main behind being behind the technicalities of this webinar. I think this is the first time आज उर्दू में बात करने का मौका मिल रहा है. आई थिंक दिस इज अ गुड ट्रेंड. मैं ब्रेडफोर्ड यूनाइटेड किंगडम में एज ए फैमिली फिजिशियन काम कर रहा हूँ विद अ स्पेशल इंटरेस्ट. एज नबील भाई हैज गॉट द इंटरेस्ट इन पीडियाट्रिक्स, आई हैव गॉट अ इंटरेस्ट इन पीडियाट्रिक्स एज वेल. आई वर्कड फॉर 10-12 इयर्स इन पीडियाट्रिक्स एंड देन चेंज माई फील्ड टू फैमिली मेडिसिन अबाउट 8 इयर्स अगो. And I'm also affiliated with the APPS UK for last 10 years. And as many of you have seen, ke main webinars mein coordination wagera mein Hafiz bhai ke saath I'm doing it. And this is one of our exciting webinar ke jisme hum British medical field ke alawa German bhi discuss kar rahe hain. So I think we will carry on doing some different kind of webinars in future. Thank you. Thank you, Irfan. Right, now let's start the session with Dr. Abdurrahman Shahid. Right, Shahid bhai, aapne ye ek badi unique opportunity batai hai ke doctors jo unse hain wo Germany mein aake kaam karein. So mera pehla jo sawal hai aapse wo ye hai ke because English is the main language spoken in England, Canada, Australia, USA, लेकिन जर्मनी में जो लोकल लैंग्वेज है वो जर्मन है, तो क्या डॉक्टर्स जो आपके पास आएंगे वो क्या पहले जर्मन लैंग्वेज सीख कर आए, अपना कोई कोर्स कर कर आए, या ये क्या बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब हाउ आर दे गोइंग टू कम्युनिकेट विद द पेशेंट्स एंड विद द कोलीग्स? सो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें कि कैसे वो जर्मन लैंग्वेज के साथ कोप करेंगे. जी मैं पहले बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं लैंग्वेज की वहाँ से स्टार्ट करूँगा. वो उसको पाकिस्तान में रह के भी सीख सकते हैं और जर्मनी में आके भी. तो आपको A1 से लैंग्वेज स्टार्ट करनी पड़ती है. इसके तकरीबन 6 स्टेप्स हैं लैंग्वेज सीखने के जर्मनी में. A1, A2, B1, B2, C1 और C2. तो डॉक्टर्स को C1 लैंग्वेज रिक्वायर होती है जर्मनी में काम करने के लिए. तो बेसिकली जो लैंग्वेज है वो पाकिस्तान के अंदर रहकर सीखी जाए तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उस पर कॉस्ट कम आती है और आपको जर्मनी आने की उसके लिए ज़रूरत भी नहीं है. जर्मनी में एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान जो लिविंग और जो लाइफस्टाइल है वो सारा बहुत एक्सपेंसिव है. तो आप पाकिस्तान में रह के मीन्स के गोएथे इंस्टीट्यूट लाहौर में है, गोएथे इंस्टीट्यूट कराची में है, इस्लामाबाद में नमल जो यूनिवर्सिटी है वो भी जर्मन लैंग्वेज सिखाती है. तो वहाँ पे रहकर जो डॉक्टर्स हैं जर्मनी आने के लिए जो जर्मनी में आके काम करना चाहते हैं तो वहाँ से वो स्टार्ट ले सकते हैं लैंग्वेज सीखने का. तो वो लोग पहले A1 से स्टार्ट करते हैं और B2 लेवल तक वो पाकिस्तान में अपने आप को यानी के सर्टिफिकेट तक वो हासिल कर सकते हैं. उसके बाद उनको जो नेक्स्ट उसके जो स्टेप्स हैं वो जर्मनी में आके मुकम्मल करने पड़ते हैं. उसको हम C1 मेडिसिन लैंग्वेज एग्जाम कहते हैं या फक्शफ्राखप्रूफिंग हम जर्मन में कहते हैं उसको. जैसे मेरे ख्याल में यूके ने भी एक लैंग्वेज मेडिकल
के लैंग्वेज टाइप का टेस्ट स्टार्ट किया है, जैसे आइट्स होता था तो अब इन्होंने ओईटी के नाम से स्टार्ट किया। तो इस तरह जर्मनी में जो है वो फर्श प्राके प्रूफिंग उसे कहा जाता है, तो वो आपको सिर्फ जर्मनी में ही दे सकते हैं, वो आप पाकिस्तान में नहीं दे सकते। तो जो आपका क्वेश्चन है उसके मुताबिक ये चीज क्लियर है कि जर्मनी में जिस डॉक्टर को भी आना है उसको लैंग्वेज C1 लेवल तक आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं, पेशेंट्स के साथ जो बात करने का जो है तरीका, वो सब सब जो है वो इसके अंदर जर्मन लैंग्वेज में ही होता है। पेशेंट्स के साथ, डॉक्टर के साथ आपको लेटर्स लिखने पड़ते हैं, आपको जो भी कम्युनिकेशन है वो जर्मन में करनी पड़ती है। तो आप स्टार्टिंग लैंग्वेज से कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो फिर आप जर्मनी में आके मींस के जैसे फर्श प्राके प्रूफिंग आपको मैंने बताया कि वो आपको जर्मनी में आके देना होता है, वो मेडिकल जो काउंसिल है जर्मनी की वो इस एग्जाम को कंडक्ट करते हैं। जर्मनी में 16 प्रोविंसेस हैं और हर एक प्रोविंस का डिफरेंट सिस्टम है। तो आप किसी भी जगह पे जब अपना अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि एक प्रोविंस में रूल डिफरेंट हो तो दूसरे में वो डिफरेंट रूल हो उसका। तो लेकिन 90% सिमिलैरिटीज रूल्स के अंदर होती हैं। तो ये बताएं डॉक्टर शाहिद कि ये जो A1, A2, B1, B2 लैंग्वेज जो कैंडिडेट्स पाकिस्तान से करके आएंगे, ये आपको पता है कि रफली कितने अरसे का कोर्स होता है? ये 1 महीना, 2 महीने या 3 महीने का कोर्स है? हाँ जी, कितना अरसा इसमें लग जाएगा, सो दैट जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि जर्मन एक मुश्किल लैंग्वेज है या आसान लैंग्वेज है? क्योंकि इंग्लिश तो हम बचपन से सुनते आते हैं और कुछ अल्फाज हमारे दिमाग में भी होते हैं। हाँ जी, नहीं, इंग्लिश की नस्बत तो जर्मन ऑफ कोर्स मुश्किल ही है, लेकिन जो है इसका ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आप ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम में लैंग्वेज सीखते हैं। तो नॉर्मली जो इसके कोर्स पाकिस्तान में वो करवाते हैं तो मेरे ख्याल में 1 साल का टाइम होता है A1 से तो B2 तक का नॉर्मली। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप A1 के बाद आप A2 और B1 को स्किप करके डायरेक्ट आप B2 का एग्जाम भी दे सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं और कितना जल्दी आप उसको कवर अप कर लेते हैं। तो मैंने काफी ज्यादा स्टूडेंट्स देखे हैं कि जिन्होंने सिर्फ 3 महीने में B2 लैंग्वेज पास कर ली है। तो डिपेंड करता है कि आप ये बड़ी अच्छी बात है जो आपने बताई है कि 3 महीने में भी ये कवर हो सकता है। तो डॉक्टर अब्दुल हफीज भाई, आप ये बताएं, क्योंकि देखें जिस तरह जर्मनी में लोग जाने के लिए तैयार होते हैं उसी तरह इंग्लैंड आने के लिए भी उनको इंग्लिश लैंग्वेज का इम्तिहान देना पड़ता है, और ये बगैर पास किए तो आप इंग्लैंड में भी जॉब नहीं कर सकते। पहले ये रूल EU के लिए नहीं था, लेकिन अब तो ये EU के लिए भी रूल है कि जो आएंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज। आप क्या कहते हैं, मतलब तकरीबन ये तो बराबर ही है ना? जी जी, असल में जिस तरह आपने जिक्र किया ना कि जो लैंग्वेज है वो ज़ाहरा के पेशेंट सेफ्टी का एक इशू आता है कि अगर आप किसी भी मुल्क में किसी पेशेंट से कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते, आप उसे हिस्ट्री नहीं ले सकते, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसकी ट्रीटमेंट, तो फिर तो यू आर इनफेक्टिव, आपकी क्लिनिकल नॉलेज डजंट मैटर कितना अच्छा हो। लेकिन इस वक्त आपने जो वर्ल्ड की मेडिकल सिचुएशन है, आई थिंक नबील समी कैन एक्चुअली हाईलाइट दैट अ लिटिल बिट मोर के देखें अमेरिका में भी रेजिडेंसीज जो करंट जो मतलब पॉलिटिकल सेटअप है उसकी वजह से अब सिचुएशन मुख्तलिफ मुश्किल हो रही है, तो इसी तरह सैचुरेशन UK में भी हो रही है। तो ऑब्वियसली वी नीड टू लुक के जो नई अपॉर्चुनिटीज नए एवेन्यूज सामने आ रहे हैं हम उन्हें उनको कैसे मैक्सिमाइज कर सकें और अपने हमारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स को मतलब गाइड करें। तो ये है कि हमारे डॉक्टर अब्दुल रहमान शाहिद साहब जो हैं उन्होंने स्टेप लिया है, उन्होंने मेरे ख्याल है कोई 100 के करीब डॉक्टर्स को ऑलरेडी पाकिस्तान से फैसिलिटेट किया है और उनकी लैंग्वेज ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट वगैरह में तो सो दिस इज लाइक अ यू नो एन एग्जांपल जिसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं। तो आई थिंक वी विल कंटिन्यू वर्किंग ऑन दैट, लेकिन लैंग्वेज इज एसेंशियल, आपको सीखनी पड़ेगी। शुक्रिया अब्दुल रफीक भाई। Yeah, Dr. Nabeel Sami, just briefly, how did you find your experience in Pakistan? Because I think you are a graduate from Bakai Medical College. Acha, main ye kehna cha raha hu ki my experience was quite good. The first thing is that we learn a lot of things in medicine as far as Pakistan is concerned, to work in resource-constrained environments and also in medically underserved populations, which is absolutely necessary sometimes when you're working in areas where they don't have a lot of the facilities, they don't have a lot of the faculties
Okay, because I was short of funding. Okay, so what I found was is that my medical education did serve me well in order to work in the West. Yes, the language of patient communication was different, but the fact is that that was actually overcome somehow by my understanding of the system that where I would be working with fewer resources over here. And I would be using a less of a rigid cookie cutter approach in order to adapt myself. So yes, I did find it. And it's, you know, the fact that we attend medical schools that are community oriented or community based, it takes us a long ways away because we learn the idea of something known as commitment. Okay. And that commitment means that we are going to be giving back, okay, to where we train, where we work, etc. Not just in the form of, you know, taking care of patients, but other community participation activities. Thank you, Nabi. Right. Thank now, you. Coming back to the topic, Dr. Shahid, first, kiya ek doctor ne German language mein introduction kar li hai, A1, A2 level tak ho gaya hai. Ab ab jis tarah England mein aate hain aur aake hame PLAB test dena hota hai. So what are the basic requirements ke Germany mein job karne ke liye ek doctor ko कितनी क्या क्या चीजें उसकी होती हैं? क्या जर्मनी में भी कोई एग्जाम है उनका जो प्लैब के इक्विवेलेंट है या व्हाट इज द सिस्टम या व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गेटिंग इनटू द जर्मन हेल्थ सिस्टम? जी ठीक है, अब मैं आपको ना इसको पूरा जो रोड मैप है वो शुरू से आखिर तक बताता हूँ इसका. आपको B2 लैंग्वेज आप बेशक पाकिस्तान में कर लें या आप जर्मनी में आके करें वो सेम है. फिर आप जर्मनी आ जाते हैं, फिर आपको जर्मनी आना पड़ता है. ठीक है, फिर जर्मनी में आके आपने यहाँ पर अप्लाई करना है फक्ष प्राख प्रूफू, जिसको हम C1 मेडिसिन कहते हैं या इंग्लैंड में OET के नाम से जो आपका एग्जाम है वो आपको पास करना पड़ता है. आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देते हैं, फिर जो मिनिस्ट्री है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करती है और उसमें तकरीबन आपको वेटिंग टाइम जो है वो 6 months का है तकरीबन ना, जब आपको डॉक्यूमेंट जमा करवाने के बाद से लेके तो एग्जाम तक का. जब आप फक्ष प्राख प्रूफूंग या जो मेडिकल लैंग्वेज एग्जाम पास कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप जो सा है वो नेक्स्ट जो एग्जाम है जिसे हम लाइसेंस एग्जाम कहते हैं या कैंटलिस प्रूफूंग जर्मन में कहते हैं, और वो हम अप्लाई करते हैं. वो लास्ट एग्जाम होता है जर्मनी में. तो अप्रोबेशन जो एग्जाम या मेडिकल लाइसेंस एग्जाम जो होता है उसमें आपको तकरीबन 1 से 1.5 साल का वेटिंग टाइम इस वक्त जर्मनी में चल रहा है. डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट टाइमिंग है, लेकिन आपको तकरीबन 1 से 1.5 साल का अरसा लग ही जाता है उसमें. उस एग्जाम में आपको 3 चांस मिलते हैं, सिर्फ 3 चांस होते हैं. अगर आप 3 दफा वो एग्जाम फेल कर देते हैं तो आप पूरे यूरोप के अंदर एज ए डॉक्टर काम नहीं कर सकते, यानी कि आप बैन हो जाते हैं जो यूरोप में. तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है जर्मनी का, मेडिकल लाइसेंस एग्जाम. अब उसके अंदर आपके पास 2 ऑप्शंस मौजूद होती हैं. एक ऑप्शन ये है कि आप उसकी एग्जाम के लिए आप घर बैठ के उसकी तैयारी कर सकते हैं या आप कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. और सेकंड ऑप्शन ये है कि आप उस वक्त जब आपका मेडिकल लैंग्वेज एग्जाम पास हो गया और आप नेक्स्ट स्टेप आपका है मेडिकल लाइसेंस एग्जाम, इस टाइम के दरमियान आप एक टेम्प्रेरी लाइसेंस, मेडिकल लाइसेंस यहाँ के जो मिनिस्ट्री है वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, जो हमारा अदारा है. तो उस टेम्प्रेरी जो लाइसेंस है उसके साथ आप तकरीबन 2 years तक जर्मनी में काम कर सकते हैं. उसके अंदर आप एक जो उसे हम कहते हैं कि जो एक अंडर ही आपको काम करना होता है, लेकिन उसमें आपको यह है कि आप करता है तो वो वेरी करता है 1000 यूरो से लेके तो 4000 यूरो तक ना, कि कौन हॉस्पिटल आपको कितने पैसे पर ऑफर करेगा. तो वो उसकी जो मुद्दत है वो मैक्सिमम 2 years होती है. तो उसके बाद आपको अपना लाइसेंस जो परमानेंट लाइसेंस है वो पास करना ही होता है. यानी कि 2 years के बाद अगर आप अपना परमानेंट लाइसेंस नहीं पास कर पाए और आप उसको आगे बढ़ाई जा रहे हैं तो फिर उसके बाद आपको दोबारा से यानी कि घर बैठ के तैयारी करनी पड़ेगी और वो एग्जाम आपको पास करना पड़ेगा. तो सबसे प्रैक्टिकल वे इसका जो है वो यही होता है कि B2 के बाद आप फक्ष प्राख प्रूफिंग या मेडिकल लैंग्वेज जो एग्जाम है वो अप्लाई करें, 6 months उसकी आप तैयारी करें, वो क्लियर करें. उसके बाद आप जो है वो 1 या 2 years के लिए टेम्प्रेरी लाइसेंस लें, हॉस्पिटल में जाएं, अपने एग्जाम्स की भी साथ साथ तैयारी करें, और जब आपके टाइम आ जाए आपका अपॉइंटमेंट का तो आप उस वक्त अपना एग्जाम क्लियर करके तो फिर आप एज ए
फुल टाइम यानी कि रजिस्टर्ड डॉक्टर्स जर्मनी में आपके लिए जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं अप्रोप्रिएट आर्ट्स, या फिर आप उसको कहते हैं कि वो लाइसेंस्ड डॉक्टर जो जर्मनी में वो बन जाता है, वो लास्ट स्टेप होता है। उसके बाद फिर आपकी जो नेक्स्ट स्टेजेस हैं वो जॉब्स की हैं, और उसके ऊपर फिर हम उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको चले बता देता हूँ कि जो आप जब लाइसेंस पास कर लेते हैं जी, ये थोड़ा सा इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक किस्म की फाउंडेशन ईयर वन और फाउंडेशन ईयर टू के इक्विवेलेंट हुआ, इज दैट व्हाट जो यूके में है कि आपने पहले लिमिटेड रजिस्ट्रेशन हम यहाँ पे करते हैं, एंड ये जो दो साल है उसमें एज ए डॉक्टर ही काम कर रहा है एंड इट्स पेड बट नॉट फुली रजिस्टर्ड, इज दैट व्हाट जैसे पाकिस्तान में हाउस जॉब होता है, हाउस जॉब जैसे, और इसकी पे आप रिपीट करेंगे? हाँ जी, ये पे जो है ये डिपेंड करता है कि कौन सा, डिपेंड ऑन हॉस्पिटल, यानी कि कोई हॉस्पिटल आपको 1000 देंगे, कोई 2000 देंगे, कोई 4000, यानी कि इसका कोई स्पेशल टेबल नहीं है हमारे पास, यानी कि ये आपने उसे कहते हैं कि डॉक्टर जो चीफ होता है वो आपकी डिसाइड खुद ही करता है पे, तो ये किसी डॉक्टर के लिए इनफ होती है इतनी पे अगर वो दो साल उधर जर्मनी में रहना चाहे? हाँ जी, मोर देन इनफ होती है, मोर देन इनफ होती है। अच्छा डॉक्टर शाहिद, एक जो सवाल जो लोग इस वक्त पूछ रहे हैं वो ज्यादा ये है कि ये वीजा कैसे मिलेगा जर्मनी का, बिकॉज जर्मनी तो हम तब पहुंचेंगे ना जब हमारे पास वीजा होगा, तो क्या वीजा अप्लाई करने से मिल जाएगा, या उन्हें बताएंगे कि जी हमारी कमिटमेंट है कि हमने जर्मन कोर्स कर लिया, लैंग्वेज कोर्स, इसलिए हमें अब जर्मनी जाने दें, या बेसिक क्वालिफिकेशन हमारी वो देखेंगे, यानी वीजा कैसे किस बेसिस पे अप्लाई करेंगे? जी, वीजा के ऊपर मैं आना चाह रहा था। बेसिकली वीजा सबसे इम्पोर्टेंट एक है प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान को जर्मनी जो है वो स्पेशल कंट्रीज के अंदर ट्रीट करता है, तो वीजा थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है पाकिस्तान से जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स को ना, लेकिन उसका तरीकाकार यही है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है जितने भी मेडिसिन के, आपको 5 ईयर मेडिसिन आपका होना चाहिए, 5 साल स्टडी, और प्लस 1 ईयर आपकी हाउस जॉब होनी चाहिए पाकिस्तान में, तो टोटल 6 ईयर्स के आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने जर्मनी की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, लैंडेसेट से काम हम जिसको कहते हैं, वहां पर आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। उसके बाद वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, यानी कि आपने ईमेल के थ्रू या उनसे रब्ता करना है, फिर आपने पर पोस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स जर्मनी भेजने हैं, फिर वो जर्मनी से आपको बताएंगे कि अब आपको इन इन डॉक्यूमेंट्स की कमी है, ठीक है, डेफिसिट बिशाइड उसको कहते हैं, तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स कह देंगे कि ये 3 डॉक्यूमेंट्स कम है, ये आप पूरे करें और एम्बेसी में अपनी जो फाइल है वो जमा करवा दें। तो फिर आपने फाइल लेकर एम्बेसी में जाना है, फिर एम्बेसी आपको खुद डिसाइड करेगी कि कौन सा वीजा आपको देना है। तो नॉर्मली जो इसका प्रोसीजर है वो बाकी कंट्रीज के लिए ये होता है कि उनको पता होता है कि हमारे वीजे का नाम, जैसे 17A वीजे का नाम है, वो 6 मंथ्स का वीजा मिलता है आपको अपने कंट्री से, होम कंट्री से, ईरान या सऊदी अरब या कहाँ से भी आप अप्लाई करें। फिर जब आप जर्मनी पहुंचते हैं तो फिर उस 6 मंथ्स के वीजे को वो कन्वर्ट कर देते हैं, तकरीबन 1.5 ईयर उसको बढ़ा देते हैं, तो 2 ईयर्स का मुकम्मल हो जाता है 17B पे। तो पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो ये है कि एम्बेसी खुद डिसाइड करती है कि किसको कितने टाइम का वीजा हमने देना है, तो 3 मंथ्स का तो मिनिमम आपको वीजा मिल ही जाता है पाकिस्तान से। उसमें वीजा जो प्रोसेसिंग टाइम है वो भी काफी, आजकल तो काफी लंबा चल रहा है मेरे ख्याल में, 1 से 1.5 साल का पाकिस्तान में इसका एक टाइम चल रहा है इस वक्त, कोरोना की वजह से थोड़ा और शायद बढ़ गया होगा। तो लेकिन काफी ज्यादा लोग हैं जिनको जल्दी भी वीजा मिला है, ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनको 6 मंथ्स बाद भी वीजा मिल गया पाकिस्तान से। तो प्रोसीजर यही है, डॉक्यूमेंट्स अपने कंप्लीट करें, फॉरेन मिनिस्ट्री से टेस्ट करवाएं, जर्मन एम्बेसी से आपने टेस्ट करवाने हैं, फिर आपने उधर जर्मन अदारे को भेजने हैं, रेगीरूम्स पेरेसिडियम, वो सारा जर्मन में उनकी वेबसाइट है, वो भी थोड़ा इशू है। तो उसके ऊपर भी हमारा एक ग्रुप है, रेजिडेंसी फॉर पाकिस्तानी डॉक्टर्स इन जर्मनी, एक डॉक्टर दोस्त है हमारे, उनके साथ मिलके मैं उस ग्रुप को हम रन कर रहे हैं, उसमें हम अक्सर पोस्ट भी डालते रहते हैं, तो वहां पर भी जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं हमसे हेल्प वगैरह ले सकते हैं अगर किसी को चाहिए। तो वहां से आपके डॉक्यूमेंट्स फिर वापस पाकिस्तान आएंगे, फिर आपने वो एम्बेसी में जमा करवाने हैं और फिर आपको वीजा एम्बेसी इशू करेगी। जी, मैं सिर्फ यहाँ पे ना मेंशन ये करना चाहता हूँ कि यूके आने से पहले मैं जर्मनी गया था
और मैंने जर्मनी का वीजा अप्लाई किया था कराची से, तो मुझे तो उस वक्त काफी आसानी थी. एक कॉन्फ्रेंस होती है बर्लिन में हर साल, इट्स कॉल्ड क्रिस्टी, मतलब ईस्टर्न यूरोपियन की कॉन्फ्रेंस, इट्स अ वेरी पॉपुलर वर्ल्ड वाइड एंड इट्स फॉर मतलब मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए वो स्पेसिफिक थी. तो मैंने अप्लाई किया था उस कॉन्फ्रेंस के लिए, ऑल ऑफ अ सडन आई सॉ अ पोस्ट. तो उस जमाने में तो इतना इंटरनेट भी नहीं था, 20 साल पहले की बात है, अभी तो ज्यादा एक्सेस हो गई है. तो उसके लिए दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर पीपल फ्रॉम आउट ऑफ यूरोप, जिन्हें वो फैसिलिटेट करते हैं कि स्टूडेंट्स आके अपना रिसर्च, अपनी जो भी उन्होंने कोई काम किया है, आके वो जर्मनी में प्रेजेंट करें. एंड दे एक्चुअली स्पॉन्सर्ड मी, तब उन्होंने मुझे अकाउंट दी, मुझे एयर टिकट दिए एंड द वीजा, मतलब उन लेटर के बेसिस पे दे डिडंट आस्क मी फॉर एनी बैंक, कुछ नहीं मांगा. एंड इट वाज फास्ट. ऑब्वियसली देयर आर अदर ऑपर्चुनिटीज इन टर्म्स ऑफ यू नो गोइंग टू द कंट्री, एंड आप वहां जब पहुंच जाते हैं तो फिर यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स मोर, आपको बाकी चीजें फिर फैसिलिटेट हो जाती हैं. देखूंगा मतलब देखें इस वक्त ब्रेक्सिट की तरफ हम जा रहे हैं. So obviously the whole COVID की वजह से जो situation है, there is new changes in the whole world. So अभी मतलब how things move forward post COVID हमें अंदाजा नहीं है, लेकिन हमें इस चीज का तो पता है कि काफी middle eastern जो countries हैं वहाँ के doctors जो हैं वो Germany में मतलब आते हैं कुछ short term कुछ long term placements वगैरह के लिए. So opportunities are there. It's a matter of देखें आप UK में भी आते हैं, अगर आपका UK में कोई जानने वाला नहीं है, even if आपको language आती है, it is difficult. तो आपको वो मतलब obviously mentally we are prepared कि we have to go through a rough patch before we settle down in a career, and then obviously it's just one of those opportunities. Thank you. Sorry, मैं बात यहाँ पर middle east की थोड़ी सी करना चाहूँगा. middle east से जो लोग आते हैं अब्दुल हफीज साहब, वो ज्यादातर वो होते हैं जो government उनको support करती है, यानी कि उनको उनके मुल्क scholarship देते हैं, और वो heavy रकम होती है, तकरीबन 5,000 euro तकरीबन उनको महाना मिलते हैं स्टार्टिंग से लेके, और फखात जब उनका यानी कि FCPS जो कहते हैं हम FRCP उस फेलोशिप तक, तो वो सारा गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है. और इसलिए जर्मनी को पता होता है कि ये लोग जोन से इन्होंने हमसे पैसे लेने तो है नहीं, बल्कि इन्होंने देने भी खुद हैं और सीखने आ रहे हैं, और उनको भी लाइसेंस पास करना पड़ता है जैसे मुझे करना पड़ा है, और उसके बाद वो लोग अपने मुल्क में 5 साल के लिए वापस चले जाते हैं, 5 या 10 साल, हर मुल्क का डिफरेंट है मिडल ईस्ट का. उसके बाद फिर वो उनका कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके से साइन होता है कि आप 10 साल के लिए जाएंगे, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, आपको डॉक्टर बनाएगी जर्मनी में, वो अपनी स्पेशलाइजेशन मुकम्मल करेंगे और अपने मुल्क में वापस आके 5 से 10 साल सर्व करेंगे, फिर आप जहां मर्जी चले जाएं. तो इसलिए जर्मन गवर्नमेंट उनके लिए जो वीजा रूल्स हैं वो थोड़े आसान हैं. तो पाकिस्तान के लिए या इंडिया के लिए या बांग्लादेश या साउथ एशियन कंट्रीज के लिए थोड़े से जोन से वीजा रूल्स हैं वो सख्त हैं, उसमें वेट भी ज्यादा करना पड़ता है, और जोन सा वो एम्बेसी डिसाइड करती है, यानी कि आप समझ लें एम्बेसी ने डिसाइड करना है किसको कितने महीने का वीजा मिलना है और कब मिलना है. जी जी शाहिद ये बताएं कि जी जी अब्दुल रफीक क्या ये कैरी ऑन. जी जी मैं सिर्फ वो एक बात और ऐड करना चाहता था व्हिच इज रेलेवेंट हियर एज़ वेल. तकरीबन 4 साल पहले आई वेंट टू स्विट्जरलैंड, मतलब अगेन वी वेंट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, लेकिन उसमें ज़ारा कि मेरा इंटरेस्ट था कि वहाँ के मेडिकल हेल्थ सिस्टम के बारे में देखूँ वगैरह वगैरह. तो मतलब ऑब्वियसली हम वहाँ गए और वापस आए तो मेरे बच्चे कहते हैं कि जी अब हमने तो स्विट्जरलैंड में ही रहना. सो ऑब्वियसली वी बिकेम वेरी सीरियस, वी सेड ओके फाइन लेट्स लुक एट द अपॉर्चुनिटीज, ऑब्वियसली इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री ऑब्वियसली, एंड देन वंस यू गो इट एक्चुअली विन योर हार्ट. तो अगेन जो वहां पे मुझे जो मेरी रिसर्च सामने आई उसमें ये था कि देर आर सर्टन स्पेशलिटीज जहाँ पे उनकी शॉर्टेज थी सर्टन प्रोफेशंस में, और उनमें से एक प्रोफेशन जो मुझे अब याद आ रहा वाज गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, वन वाज इमरजेंसी मेडिसिन. तो मतलब ऑब्वियसली आप किसी भी मुल्क में, सेम इज ट्रू फॉर यूके, अब यहाँ पे आते हैं आपको आपको ईजिली सर्टन स्पेशलिटीज में सर्जिकल स्पेशलिटीज में एंटर होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जहाँ पे अगर मतलब डिमांड है यू हैव टू डू रिसर्च. Obviously, then the country facilitated the whole process. बिल्कुल इसी लिंक से मैं क्वेश्चन पूछूंगा शाहिद से कि ये बताएं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज जूनियर लेवल डॉक्टर पे जिस तरह इंग्लैंड में रिक्वायरमेंट रहती है हमेशा, क्या जर्मनी में भी इसी तरीके से रिक्वायरमेंट हमेशा शॉर्टेज रहती है डॉक्टर्स की, एंड दे आर लुकिंग फॉर डॉक्टर्स टू कम ओवर फ्रॉम मिडल ईस्ट या फ्रॉम एशियन कंट्रीज या फ्रॉम अफ्रीकन कंट्रीज? जी बिल्कुल, जर्मनी में जो है इस वक्त डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है,
50,000 के करीब जर्मनी में शॉर्टेज है सो के डॉक्टर्स की. जब आप लाइसेंस पास कर लेते हैं जर्मनी में, जो हम अप्रोबेशन कहते हैं जिसको, उसके बाद आपको बहुत सारी जॉब ऑफर्स मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं. यानी कि आप किसी भी हॉस्पिटल में, थोड़े बड़े हॉस्पिटल में मुश्किल से जॉब मिलती है, लेकिन आप किसी छोटे हॉस्पिटल से अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं और फिर आप बाद में बड़े हॉस्पिटल में अगर जाना चाहते हैं तो आप उसमें चले जाएं. लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज डॉक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा हैं और पे भी जो उनसी है वो जर्मनी में डॉक्टर्स की, रेजिडेंट डॉक्टर्स की, वो माकूल है, वो अच्छी पे करते हैं जर्मनी में. अच्छा, गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई. अब मैं आपसे पूछूंगा, ये आपने एक प्रोबेशन पीरियड का जिक्र किया था कि ये प्रोबेशन पीरियड क्या होता है जर्मनी में, इज दिस वेरी स्ट्रिक्ट? क्योंकि इंग्लैंड में तो 6 महीने से 1 साल के बीच में देते हैं हमें प्रोबेशन पीरियड, उसमें अगर डॉक्टर फिट नहीं है तो वो निकाल सकते हैं. तो व्हाट इज योर प्रोबेशन पीरियड इन जर्मनी? जी, जर्मनी में भी ऐसे ही होता है कि जो 6 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड होता है तो उसके अंदर वो आपको जज करते हैं सीनियर डॉक्टर्स और जो डिपार्टमेंट में जो डॉक्टर्स होते हैं ना. तो अगर उसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आप 6 मंथ्स के अंदर आप बिल्कुल भी सेफ नहीं होते हॉस्पिटल में. तो 6 मंथ्स के अंदर वो आपको निकाल सकते हैं. जैसे आपने कहा यूके में वो एक साल तक आपका होता है, तो 6 मंथ्स के बाद आपको फिर जो आर्बाइट जो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो वो आपका थोड़ा सेफ होता है, उसमें निकले जाने के चांस थोड़े कम होते हैं. तो इसलिए जो फर्स्ट 6 मंथ्स हैं वो जॉब के बहुत इंपॉर्टेंट हैं. यानी कि जर्मनी के अंदर क्लिनिकल जॉब का स्किल्स वगैरह चेक करते हैं और यहाँ पर बहुत छोटी छोटी चीजों के ऊपर वो गौर करते हैं कि जो डॉक्टर है इसका पेशेंट के साथ रवैया किस तरह का है, अपने कोलीग के साथ रवैया इसका किस तरह का है. इस तरह की चीजें भी वो नोट करते हैं इसके अंदर सारी, कि सिर्फ क्लिनिकल नॉलेज नहीं आपका वो देखते बल्कि आपका बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इसके अंदर. बिल्कुल, व्हिच इज सेम इन यूके एज वेल. यस, एब्सोल्युटली सेम. कम्युनिकेशन स्किल्स, डीलिंग विद कोलीग्स, डीलिंग विद पेशेंट, पेशेंट सेफ्टी, ये तो सारा कुछ जोन सा है. ये यूके में भी वही मैं खाला यूरोपियन स्टैंडर्ड रूल. लेट्स ब्रिंग नबील इनटू इन एंड आस्क हिज एक्सपीरियंस ऑफ गेटिंग जॉब इन यूनाइटेड किंगडम. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस नबील? My experience is that it's much easier to get a job, okay, in the United Kingdom as compared to North America. Okay, that's what it was. The fact is that the processing is different, and it really depends upon where you're coming from as to how you not only get the job, how you'll be received, how you'll be able to apply. For me, it was a very good experience because I am from Canada, which is a crown commonwealth or industrialized commonwealth nation. So they were pretty receptive to me coming over to work there. Mm. So it has been quite nice. And because I have actually worked with British doctors in Canada, this is probably the only Western country where you actually work with American and British side by side, and Canadian, all three work together. And so my experience was actually very good. And when they interviewed me, I told them I have worked with them at the Hospital for Sick Children, a renowned pediatric facility in North America and around the world. And so they said, okay, so what did you learn? I said, you know, I learned to appreciate the diversity of resource constraints and multicultural differences and trans-global themes. So they were actually quite receptive to it. It did take a while for things like visa processing, vignettes, etc., but that's because of the COVID situation. One cannot really say that the situation is actually the same as it was before or it's the same now. The situation keeps on changing, but overall it was a very good experience to get the job. I will say one thing for sure, that for me it has been quite a fun journey, of course, because I've had to make trips to take the OET to Vancouver. I've had to take trips to London for ID checks on the PLAB one. I've had to fly to Manchester. So yes, it was, the whole prerequisites to get the job were quite enormous, but at the end it did pay off because I was able to get what I wanted at the end of the day. Very good. Congratulations on getting a job. What's your specialty, by the way? Emergency medicine to start off with. And of course, something in pediatric emergency medicine as an interest, for a special interest extending onwards. Good, very good. Thank you, Nabeel. There will be plenty of opportunities in Pete's emergency. Oh, I see. I think that's a global shortage, probably.
सिर्फ ना तैमूर भाई, कैन आई जस्ट मेंशन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जो पाकिस्तान में हमें डॉक्टर्स देख रहे हैं, यू नो, मतलब ऑब्वियसली आपने ये डिसाइड करना है कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू एंटर इन द यूके मार्केट, अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं. लेकिन हमारा एज एन एप्स यूके वी हैव एन एक्सपीरियंस एंड वी हैव सीन सम पीपल सफर ऑन इट. तो इसीलिए इस इम्पोर्टेंट कि मैं इस पॉइंट को यहाँ क्लैरिफाई कर दूं कि अगर आप पाकिस्तान से आपने ग्रेजुएशन की है, प्लीज आप मेक श्योर करें कि आपने अपनी हाउस जॉब पाकिस्तान में ही मुकम्मल कर लिया. क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल यूके में आ जाएं और यहाँ पे आके आप अप्लाई करें मैं जीएमसी रजिस्ट्रेशन के लिए विदाउट डूइंग यू नो 12 मंथ्स ऑफ हाउस जॉब, आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिल गया, तो वो प्रोविजनल फुल रजिस्ट्रेशन में ट्रांसफर करने की आपको यहाँ पे सेटलमेंट वीजा है, आपकी शादी हो गई है या मतलब फैमिली टाइज है या कुछ और, अगर तो सेटलमेंट वीजा मिल गया फिर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. अदरवाइज आपके वीजे पे ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि यू कैन नॉट वर्क इन एन अप्रूव्ड ट्रेनिंग पोस्ट. तो जब जीएमसी को आप वापस जाते हैं एक साल के बाद कि मेरी रजिस्ट्रेशन आप फुल कर दें, तो वो कहते हैं कि ब्रिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूव्ड ट्रेनिंग. तो आई हैव सीन मेनी डॉक्टर्स हु देन रियलाइज कि हमने क्या गलती कर ली, कि मतलब देन जीएमसी आस्क देम कि आप यू गो अब्रॉड हैव दैट 12 मंथ ऑफ यू नो अप्रूव्ड ट्रेनिंग एंड देन कम बैक, देन वी विल गिव यू फुल रजिस्ट्रेशन. दिस इज सच अ बिग हैसल इफ यू मूव टू यूके विदाउट नोइंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट. थैंक यू. You are absolutely right, क्योंकि यहाँ पे जो लोग आते हैं उनका बेहतर यही होता है कि बिफोर दे एंटर इनटू द ट्रेनिंग प्रोग्राम उनके लिए होता है कि वो एज अ क्लिनिकल फेलो पहली जॉब लेते हैं, सो दे वर्क इन दैट स्पेशलिटी क्लिनिकल फेलो की पोस्ट में, देन दे एंटर इनटू द नंबर्ड ट्रेनिंग पोस्ट. सो आई थिंक ये आपकी बात बिल्कुल बड़ी वैलिड है कि वो हाउस जॉब एक साल की ट्रेनिंग करके आए तो देन इट विल बी मच ईजियर फॉर देम टू टेक अप अ जॉब हियर. So coming back to Shahid, Dr. Shahid, can you tell us, आप बताएं हमें कि फर्ज के आदमी आ गया, उसने पहले दो साल कंप्लीट कर लिए, तो उसके बाद उसके जो स्पेशलिटी में एंट्रेंस के जो चांसेस होते हैं या ट्रेनिंग प्रोग्राम में जिसके बाद वो कंसल्टेंट बन के निकलता है वो कैसे होते हैं बेस्ड ऑन मतलब नॉन जर्मन एथनिसिटी, क्या उसके लिए इक्वल चांसेस होते हैं जितने जर्मन कैंडिडेट्स के पास हैं, और कौन कौन सी स्पेशलिटीज हैं आजकल जिनमें डिमांड बहुत ज्यादा है, जैसे अभी इरफान ने बताया कि यहाँ पर साइकियाट्रिस्ट या एनीस्थेटिस्ट या इमरजेंसी पीडियाट्रिक्स में डिमांड काफी ज्यादा है, तो जर्मनी में कौन कौन सी ऐसी स्पेशलिटीज हैं जिनमें काफी ज्यादा डिमांड है? हाँ जी, जर्मनी के अंदर मेरे ख्याल में इस वक्त सब स्पेशलिटीज के अंदर ही बहुत हाई डिमांड है डॉक्टर्स की, तो आप किसी भी स्पेशलिटी में काम स्टार्ट कर सकते हैं. इंटरनल मेडिसिन ऑफ कोर्स, जो इंटरनल मेडिसिन है उसमें हमेशा हाई डिमांड रहती है डॉक्टर्स की, एनेस्थीसियोलॉजी के अंदर हाई डिमांड रहती है, और सर्जरी के अंदर, ये तीन मेन जो मेन इसमें समझे जाते हैं जर्मनी के अंदर डिपार्टमेंट्स. तो मेन जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये समझनी चाहिए कि जर्मनी के अंदर आप जब पाकिस्तान से या किसी दूसरे कंट्री से जॉब के लिए आते हैं, इधर टेस्ट पास कर लेते हैं, तो आपको हमेशा किसी छोटे हॉस्पिटल से जॉब स्टार्ट करनी चाहिए. ये मेरा एक्सपीरियंस है कि छोटे हॉस्पिटल से आपको चीज़ें सीखने को ज़्यादा मिलती हैं स्टार्टिंग में, और जब आप अपने आप को स्टेबल कर लें, यहाँ का सिस्टम समझ लें, आपको थोड़ा समझ आ जाए कि कैसे ये लोग काम करते हैं, फिर आप बड़े हॉस्पिटल में जॉब अप्लाई करें, और फिर आप वहां पर जाके आप अपना जो कैरियर है परस्यू कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको उसमें करने चाहिए. बाकी जो आपने अपॉर्चुनिटीज है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर सारी जो उसके अंदर है, इनको यंग डॉक्टर्स की जरूरत है, इनको स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की जरूरत है, और जर्मनी जो है अगले 10 सालों में मुझे लगता है कि और ज्यादा जरूरत बढ़ जाएगी यहाँ पे डॉक्टर्स की. तो इंडियन डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, मिडिल ईस्ट से भी आ रहे हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं. मैं बस छोटा सा 2 मिनट के अंदर इसको समराइज करना चाहूंगा, क्योंकि मैं काफी कमेंट्स पढ़ रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि समराइज आप थोड़ा इसको कर दें कि कैसे ये सारा. जर्मनी में आने के लिए आपको जो पहली रिक्वायरमेंट है वो लैंग्वेज है. आपको C1 लैंग्वेज तक आपको लैंग्वेज चाहिए होती है, C1 लेवल तक. B2 लेवल तक आप पाकिस्तान में कर सकते हैं या आप जर्मनी में आके करना चाहिए, आप जर्मनी में आके कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप B2 पाकिस्तान में करके आए, नमल के थ्रू या आप किसी गोइथे के साथ ना.
फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करेंगे उस मिनिस्ट्री के अंदर, वहां से आपको वो लेटर आएगा, एम्बेसी में जाएंगे, वीजा लगेगा, जर्मनी आप पहुंच गए हैं। जर्मनी में आके आपको, अब यहाँ का थोड़ा लिविंग एक्सपेंस का भी बता देता हूँ कि अगर आप दो डॉक्टर हैं तो आपको ऑफकोर्स थोड़ा लिविंग जो है वो थोड़ी कम पड़ जाएगी, चार हैं तो और कम हो जाएगी। आप एक फ्लैट किराए पे लेते हैं तो 300 to 400 euros आपको जो है वो वन बेडरूम का फ्लैट मिल जाता है। अगर आप दो बेडरूम का लेना चाहते हैं तो 500 euros तक आपको मिल जाता है। डिपेंड करता है किस सिटी में है, किस जगह पे है, वो वेरी करता है हर जगह पे। जो लिविंग एक्सपेंस है तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं। अगर आप कुकिंग, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट होती है मेरे ख्याल में सब डॉक्टर्स के लिए कि एग्जैक्ट हमें पता होना चाहिए कि कितना हमारा खर्चा आ जाएगा महीने का। तो मैं आपको बताया तो 500 to 600 euros आपको महीने के लिए चाहिए यहाँ पे, एक महीने के अंदर रहने के लिए और खाना पीना हर चीज डाल के ना। तो उसके बाद आपने यहाँ पे रह के जो एग्जाम्स हैं 2 years का वो टाइम है आपका, मिनिमम 6 months मेडिकल लैंग्वेज एग्जाम और 1.5 year जो मेडिकल लाइसेंस एग्जाम, ये 2 steps यहाँ पर हैं। तो इसमें आपको 2 years का अरसा लग जाता है। तो इस सारे टाइम में आप पहले 6 months में सिर्फ तैयारी कर सकते हैं एग्जाम्स की, जॉब नहीं कर सकते, और जो अगले 1.5 year हैं उसमें आप टेम्प्रेरी लाइसेंस के साथ जॉब कर सकते हैं। डिपेंड करता है कौन सा हॉस्पिटल आपको कितने पैसे देता है, वो आप हर हॉस्पिटल के साथ डिफरेंट उनका वो क्राइटेरिया होता है। फिर उसके बाद जब आपको लाइसेंस मिल जाता है फिर आप जॉब अप्लाई करते हैं, फिर आपका एक इंटरव्यू होता है हॉस्पिटल में। तो वहां पर आपको तकरीबन 8-7 हॉस्पिटल्स में अप्लाई करना पड़ता है। फिर आपको जॉब जब मिल जाती है फिर आपका 6 months का प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन पीरियड आपको जब खत्म हो जाता है फिर आपको परमानेंट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, या थोड़ा आपका जॉब सेफ्टी हो जाती है। फिर आप डिफरेंट फील्ड में रेजिडेंसी करना चाहते हैं, जैसे आप इंटरनल मेडिसिन में करना चाहते हैं उसका टाइम 5 years है, आप सर्जरी में 5 years है, एनेस्थेसियोलॉजी में 5 years है, अगर आप कार्डियोलॉजी में, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में या इस तरह उनकी उन फील्ड्स में जाते हैं तो 6 years का टाइम है। तो हर एक फील्ड का फिर वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम उनका होता है। फिर आपको जो सारा रेजिडेंसी का टाइम है वो कंप्यूटराइज होता है और उसमें आपके वो कार्ड के जरिए सारा चेक करते हैं कि आपने कितने, ये भी आप डिफरेंट हॉस्पिटल में डिफरेंट है, कुछ में मैनुअल है, कुछ में कार्ड्स के जरिए है, जो आपकी लॉग बुक होती है चेक करते हैं कि कितने आपने वो किए हैं। तो उसके बाद आपको जो है जर्मनी के अंदर स्पेशलिस्ट का जो है वो डिग्री मिल जाती है, 5 to 8 years का ये टोटल प्रोसीजर होता है इसके अंदर। ये टोटल मैंने आपको छोटा समराइज कर दिया, बाकी मजीद इंफॉर्मेशन के लिए जो है वो रेजिडेंसी फॉर पाकिस्तानी डॉक्टर्स एक ग्रुप बनाया हुआ है, उसके अलावा मुझसे पर्सनल कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं डॉक्टर्स। लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है कि एक मैसेज इस तरीके से किया करें कि एक मैसेज में अपने क्वेश्चंस जो है वो लिख दिया करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी हैं, तो फिर मैं उसका उनको रिप्लाई कर सकता हूँ। वरना अगर वो एक एक मैसेज अगर करते हैं तो फिर वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, बहुत ज्यादा लोग फिर वो मैसेजेस करते हैं, तो उस पे भी वो मुझसे पूछ सकते हैं फेसबुक के थ्रू। थैंक यू शाहिद। अब हमारे पास टोटल 15 मिनट्स रह गए हैं और तकरीबन हमारे पास इस वक्त कोई 50 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं शाहिद। तो मैं आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर अब्दुल हफीज भाई एंड इरफान टू बारी बारी अपने टर्न्स लेके तो आपसे क्वेश्चन पूछते जाएं ताकि आप इनका जवाब ब्रीफली देते जाएं सो दैट वी कैन कवर मैक्सिमम क्वेश्चंस। सबसे पहले डॉक्टर शाहिद आपसे क्वेश्चन ये पूछेंगे, मतलब ऑब्वियसली वी जस्ट वांट क्विक 1-2 line आंसर ऑब्वियसली ताकि हम उसे मुकम्मल कर सके विद इन टाइम फ्रेम। आप मतलब काफी अरसे से जर्मनी में रहते हैं, आप मतलब व्हाट बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस आप मतलब क्या गाइड करेंगे कि मतलब यू नो कॉमन मिस्टेक जो हम लोग कर सकते हैं सिस्टम में आके, व्हाट डॉक्टर शुड अवॉइड, उसके बारे में कुछ बताएंगे कि मतलब कॉमन मिस्टेक्स जिस पे मतलब डॉक्टर्स कैन गो इन डिफिकल्टी पाकिस्तानी खासतौर पे। मेरे ख्याल में सबसे जो कॉमन मिस्टेक वो बिहेवियर ही है पाकिस्तानी डॉक्टर्स का या किसी का भी। अगर बिहेवियर हमारा अच्छा है, लैंग्वेज पे हमें मुकम्मल अबूर हासिल है तो कोई मसला नहीं है। बिल्कुल जैसे जर्मन्स को ट्रीट करते हैं वैसे ही हमें ये लोग ट्रीट करते हैं, कोई डिफरेंस नहीं करते ये लोग। मेनली मोर एथिकल इश्यूज नॉट क्लिनिकल। जी कम्युनिकेशन। अच्छा दूसरे ये था कि अगर जिस तरह में यूके में होता है कि आप फॉर एग्जांपल यू एंटर एट अ वेरी लो स्टेज, मतलब आप हाउस जॉब करने के बाद फॉरेन आते हैं, दूसरा रूट ये होता है कि आप अपनी पाकिस्तान में एफसीपीएस अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन वहां पे अगर कर लें
और फिर जर्मनी में आए तो डू थिंक मतलब आपको व्हाट वुड यू रिकमेंड कि अर्ली एंट्री बेहतर है या मतलब पीपल शुड यू नो पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री जिस तरह यूके में हमारा एक्सपीरियंस ये है कि खासतौर पे इफ यू आर अप्लाइंग फॉर सर्जिकल स्पेशलिटीज अगर आप हाउस जॉब करके यहाँ के सर्जरी में रेजिडेंसी की कोशिश करेंगे इट रादर इम्पॉसिबल लेकिन अगर आपने पाकिस्तान में दो तीन चार साल काम कर लिया एग्जाम्स पास कर लिए देन यू एंटर इनटू द सिस्टम तो फिर आपको सर्जरी में एज अ सीनियर डॉक्टर ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप उसमें आगे चले जाएं स्टाफ ग्रेड या कंसल्टेंट की तरफ तो जर्मनी में क्या है इसका सिचुएशन जी जर्मनी में भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तीन चार साल का तो आपको ऑफकोर्स वो जल्दी यानी कि एक्सपीरियंस जो आपका है उसकी वजह से आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा हैं आपको और आपको जल्दी वो कहेंगे कि आप अकेले ऑपरेशन वगैरह कर सकते हैं डॉक्टर के साथ मिलकर ना तो अगर आप स्टार्टिंग से करेंगे तो फिर आपको जो सा वो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा लेकिन जो आपका एफसीपीएस पाकिस्तान से है वो जर्मनी में एक्सेप्ट नहीं होता तो आपको रेजिडेंसी अपनी फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करनी पड़ेगी ठीक है तो उसके लिए ये पॉसिबल है कि आप हम पाकिस्तान में बैठ के ही जर्मन एग्जाम्स जिस तरह मतलब लोग पाकिस्तान से ही बैठ के एफसीपीएस वगैरह की तैयारी करते हैं मतलब इज इट अ पॉसिबिलिटी कि हम वहां बैठ के ही तैयारी कर सकें और जो एग्जाम्स हैं आर दे इन जर्मन लैंग्वेज या मतलब उसके लिए जिस तरह फॉर एग्जाम्पल यू नो यू नीड द लैंग्वेज जरूरी है आपको एग्जाम पास करने के लिए तो उसके लिए कोई एडवाइस जी यहाँ पर जो है लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज में एग्जाम होते हैं सारे आपका मेडिकल लैंग्वेज एग्जाम फिर जो मेडिकल लाइसेंस है वो तकरीबन 8-10 घंटे का होता है सारा टोटल जर्मन लैंग्वेज में होता है और उसके ऊपर बस एक चीज जर्मनी में जो मुझे फील होती है वो ये है कि आपको वारूम यानी कि वाई बहुत ज्यादा पूछते हैं कि क्यों ऐसे कर रहे हो यानी कि रट्टा सिस्टम बिल्कुल नहीं इनको पसंद है अब रट्टे में बात कर दो कि ये ऐसे आया तो ये दवाई दे दी इस तरीके से वो पूछते हैं क्यों आप कर रहे हो इसको तो ये मेरे ख्याल में ये इम्पोर्टेंट है और पाकिस्तान में अगर आप रह के पूछते हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में रह के भी तैयारी हो सकती है उसकी कुछ बुक्स हैं वो बुक्स वगैरह पाकिस्तान में भी भेजी जा सकती हैं उसमें बैठ के लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी लैंग्वेज कितनी अच्छी है B2 अगर आपने कर लिया है तो फिर आपको शायद आप उससे थोड़ी बहुत तैयारी कर सकते हैं हाँ जी इसमें ये चीज के अगर कोई C1 के लिए वीजा लेके जर्मनी जाता है आगे जाके उसके बाद वो फिर अप्लाई करता है 2 साल का उसको वीजा मिलता है और 6 महीने के अंदर अंदर एग्जाम करना होता है तो ये ज्यादा बेहतर नहीं कि वो पाकिस्तान वापस चला जाए 6 महीने तैयारी करे और फिर दोबारा आए विच इज द बेस्ट वे उसमें मुझे बेस्ट वे यही लगता है कि अगर वो अपना मेडिकल यानी कि आपको मैं स्टेप वन जो मेडिकल लैंग्वेज एग्जाम वो जब क्लियर कर लेता है ना उसके बाद बेस्ट वे ये है कि वो किसी हॉस्पिटल में बेशक वो पे जॉब हो या अनपे जॉब हो उधर ही वो काम स्टार्ट करे वहां का सिस्टम में रहे और वहां पर वो अपनी तैयारी करे एग्जाम की वो बेटर है बजाय कि पाकिस्तान आना ठीक है अच्छा अभी जी जी अगला क्वेश्चन ये पूछा है सईदा हुनैन ने Okay, can you please repeat how do we work with temporary license exam? कि अगर आपका temporary exam license आपने दिया तो उसके लिए कैसे काम करते हैं Germany में? वो आप जब अपना medical language exam pass कर लेते हैं उसके बाद आप ministry के अंदर apply करते हैं और ministry आपको उसी सूबे के अंदर 16 सूबे हैं 16 सूबों के different असूल हैं जिस सूबे में आप अप्लाई कर रहे हैं उसी प्रोविंस के अंदर आपको वो एक टेम्पररी लाइसेंस 6 मंथ्स का इशू कर देते हैं तो उसके साथ फिर आप जॉब कर सकते हैं फिर 6 मंथ्स के बाद उसको वो यानी कि बढ़ा देते हैं फिर 6 मंथ्स के लिए फिर 6 मंथ्स फिर 6 मंथ्स तो टोटल 2 ईयर्स मैक्सिमम उसकी लिमिट है तो उसके साथ वो जॉब कर सकते हैं जर्मनी के अंदर लेकिन ऑफकोर्स वो एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर नहीं होंगे लेकिन वो किसके अंडर काम करेंगे किसी सीनियर डॉक्टर के अंदर जी अगला मेरा क्वेश्चन यू ऑलरेडी एक्सप्लेन आपने कर दिया व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ गेटिंग जॉब्स एज एमओ तो रिक्वायरमेंट्स तो वही हैं जो आपकी सारी एक्सप्लेन की हैं जी जी अच्छा अगला क्वेश्चन ये था कि हाउ आर सैलरीज इन जर्मनी यू नो डिफरेंट इन कंपैरिजन विद यूके तो मतलब आई थिंक कंपैरिजन तो शायद हम दोनों मुश्किल से कर सके लेकिन आप ये बताएं कि जो एक कंसल्टेंट यूके में जर्मनी में कंसल्टेंट की सैलरी क्या होती है ऑन एन एवरेज तो मैं आपको बताऊंगा कि यूके में क्या है कंसल्टेंट की यूके में एवरेज असल में ये बड़ा आपने डिफिकल्ट मुझसे क्वेश्चन पूछा नहीं नहीं जर्मनी जर्मनी में क्या है मैं यूके का तो मैं जर्मनी में सॉरी सॉरी जर्मनी के अंदर
मैं आपको रेजिडेंट डॉक्टर्स की तो बता सकता हूँ कि जो अपनी स्पेशलाइजेशन में होते हैं, स्पेशलाइजेशन में जो सैलरी स्टार्ट होती है डॉक्टर्स की वो 4600 यूरोस फर्स्ट ईयर उसकी पे होती है, यानी कि स्टार्टिंग में। और फिर वो भी डिपेंड करता है कि वो छोटा हॉस्पिटल में 4600 है, बड़े में 48 है, उससे बड़े में 52 है, यानी कि डिपेंड ऑन हॉस्पिटल किसमें काम, किसमें वो जॉब स्टार्ट कर रहे हैं। पर मंथ, ये एक पर मंथ जी, पर मंथ। तो जब वो 5 साल तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद उसे कहते हैं कि जब उस कंसल्टेंट बन जाते हैं ना, तो फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि आपने वो जो एक टैरिफ बना होता है, टेबल जो हमारा होता है यहाँ पे जर्मनी में, उसके मुताबिक आपने काम करना है, या आप वैसे भी जो है वो शेफ जो चीफ होता है आपका या हॉस्पिटल के जो हेड होते हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। तो नॉर्मली अगर मैं बताऊं तो वो मेरे ख्याल में 8 से 10 हजार यूरो के दरमियान होती है नॉर्मली। लेकिन अगर आपके पास स्पेशलिटी ज्यादा है या आप बहुत स्पेशल पर्सन है हॉस्पिटल में या आपने कोर्सेज बहुत ज्यादा किए हैं, तो आप लगा लें कि 15,000 यूरो से 18,000 यूरो आपको महीने के मिल जाते हैं कंसल्टेंट को। लेकिन वो आउसर फित्रागलिश, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट के अलावा आप एक डील करते हैं हॉस्पिटल से। कंसल्टेंट का बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि कुछ ऐसे कंसल्टेंट भी हैं जो 1 मिलियन यूरो कमा रहे हैं साल के, ठीक है, वो बड़ा डिफरेंट है, हर हॉस्पिटल का डिफरेंट स्ट्रक्चर है जी, आप काम करते हैं। मेरा ख्याल है कि हमारी यूके की भी जो इन्फॉर्मेशन है इज क्वाइट सिमिलर, जो यहाँ पे एज ए मिडिल ग्रेड जिसे हम कहते हैं, एज ए रजिस्ट्रार आप अपनी पोजीशन पे काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी सैलरी क्वाइट सिमिलर 60-65,000 मतलब पर ईयर, जो कि शायद 5,000 के करीब ही बनती है पर मंथ। जी जी, तो इसी तरह लेकिन जब आप एक दफा कंसल्टेंट बन जाएं तो फिर ऑब्वियसली डिपेंड्स, आपकी स्पेशलिटी पे भी थोड़ा डिपेंड करेगा, लेकिन देयर इज, क्योंकि एक नेशनल हेल्थ सर्विस है यूके में तो एक काफी ज्यादा स्टैंडर्डाइजेशन है, तो आपकी जो बेसिक पे है वो क्वाइट सिमिलर होगी। उसके अलावा इट डिपेंड्स कि आपके नाइट्स कितनी है, वीकेंड कमिटमेंट कितनी है, यू नो आपका रोटा कितना हैवी है, तो उस पे फिर आपकी एक्स्ट्रा बेंडिंग आपको मिलती है। लेकिन ऑन एन एवरेज यूके कंसल्टेंट कैन एक्सपेक्ट 120,000 पर ईयर, मतलब ऑन एन एवरेज में बात कर रहा हूँ, ज़रा स्टार्टिंग थोड़ी कम है, लेकिन देर इज नो अपर लिमिट एज डॉक्टर शाहिद हैज सेड। अपर लिमिट डिपेंड्स कि आपकी प्राइवेट प्रैक्टिस में आप मे बी आप चले गए हैं और आपकी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी है। यहाँ पे कुछ जीपी ऐसे हैं जो कि 600,000 मतलब तक भी कमा रहे हैं, लेकिन अगेन ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट टॉप ऑफ द रेंज, लेकिन जो एवरेज है एवरेज लाइज अराउंड 120 पर ईयर। जी, एवरेज जो है वो भी जर्मनी में जो आप बता रहे हैं कंसल्टेंट की तकरीबन इतनी है, लेकिन जो रेजिडेंट डॉक्टर्स की मैंने कंपेयर की थी अमेरिका, यूके और कनाडा वगैरह, ऑस्ट्रेलिया की, तो उसमें मुझे ये लगा था कि जो स्टार्टिंग में आपको यानी कि 4700 यूरो से वो स्टार्ट करवाते हैं, तो ये मुझे सबसे हाई लगी थी जर्मनी में। रेजिडेंट डॉक्टर्स की पे मुझे अच्छी लगी थी जो 5 ईयर्स में उनकी बढ़ती जाती है। कंसल्टेंट में तो ऑफ कोर्स मेरे ख्याल में अमेरिका जो है उसमें सबसे हाई सैलरी है मेरे ख्याल में, यूएसए में। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है कि B2 इज इनफ फॉर पर प्रोविजनल लाइसेंस, सारा रफीक ने पूछा है। नहीं, B2 पहले एक्सेप्ट होता था 2 साल पहले, अब उन्होंने C1 कर दिया, अब नहीं वो करते हैं। जी, ये लाहौर में गोएथे इंस्टीट्यूट बना हुआ है, वहां पर सीख सकते हैं, नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में आप सीख सकते हैं, गोएथे कराची में आप सीख सकते हैं, तो वहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं लैंग्वेज सीखने की। जी जी, जो आपने मतलब जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जर्मन भेजने होते हैं, मतलब उनके हमें ट्रांसलेशन करवा के भेजने होते हैं? नहीं, इंग्लिश में जरूरत नहीं है ट्रांसलेशन कराने की, इंग्लिश काफी है। ठीक है, अच्छा, तो अगर किसी ने पूछा कि इफ समवन हैज कंप्लीटेड फेलोशिप इन पाकिस्तान एंड देन वांट्स टू मूव टू जर्मनी, तो मतलब इवन आफ्टर फेलोशिप उन्हें शुरू से बिगिनिंग से शुरू करना पड़ेगा? इस पर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, अभी तक जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे चंद एक फ्रेंड्स हैं, एक दोस्त को मैं जानता हूँ कि जिसके 2 ईयर्स उन्होंने एक्सेप्ट किए थे HCPS के, वो सऊदी अरब से आए थे, उनका कोई किंग सऊदी हॉस्पिटल था वहां पर। तो अब ये फिर वही बात है कि डिपेंड करता है कि कोई 16 जो प्रोविंसेस आप किस प्रोविंस में जाते हैं, तो कोई प्रोविंस हो सकता है आपके 2 ईयर्स एक्सेप्ट कर ले, कोई एक कर ले, कोई भी ना करे, मैक्सिमम 2 ईयर्स तक हो सकते हैं, चांस है
लेकिन गारंटी नहीं है इस चीज की। जी अच्छा, अगला क्वेश्चन ये है कि यूके में अगर आप लीगली फाइव इयर्स तक एज ए डॉक्टर रहें और काम करें ऑन वर्क परमिट, तो आपको यहाँ के इनडेफिनेट स्टे और नेशनैलिटी मिल जाती है। तो जर्मनी में एक मतलब क्या रिक्वायरमेंट है आपको वहाँ की रेजिडेंसी लेने के लिए? जी, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है मुझसे। जर्मनी के अंदर डॉक्टर्स जो हैं उनको 21 मंथ्स के बाद उनको आपको ब्लू कार्ड ऑफर करते हैं, ठीक है। और ब्लू कार्ड मीन्स के जब आप जॉब पर लग जाते हैं अपनी, तो उसके बाद ब्लू कार्ड आपको ऑफर करते हैं, और मेरे ख्याल 33 मंथ्स के बाद आपको परमानेंट रेजिडेंस यहाँ पर डॉक्टर्स को मिल जाती है, और 6 मंथ्स के बाद आपको जर्मन पासपोर्ट मिल जाता है। नॉर्मल टाइम 8 ईयर्स है, डॉक्टर्स के लिए 6 ईयर्स है पासपोर्ट का। डॉक्टर्स के लिए 6 ईयर्स है, हाँ जी, टोटल प्रोसेस 6 ईयर्स। जी, टोटल जो टाइम है ना, नॉर्मली जो आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं 8 इयर्स ऑफ स्टे के बाद, लेकिन जब आपके पास ये B2 का सर्टिफिकेट होता है और आप डॉक्टर हैं, तो फिर आप 6 इयर्स के बाद अप्लाई कर सकते हैं जर्मन पासपोर्ट। जी जी, ठीक है। तो देखिए, हमारे यूके में फैमिली फिजिशियंस की बहुत ज्यादा प्रायोरिटीज होती है। 90% जो हम यहाँ पे वर्कफोर्स जो है डॉक्टर्स की, वो फैमिली फिजिशियन है। तो जर्मनी में भी फैमिली फिजिशियंस की प्रायोरिटीज है? जर्मनी में जी, हाँ जी, हाउस आर्ट हम कहते हैं उसको, और यहाँ पर भी हाउस आर्ट होते हैं, अपॉर्चुनिटीज तो हैं, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं ऑफकोर्स, लेकिन मेरे ख्याल में जो आप 600,000 पाउंड बता रहे थे वो उतने नहीं जर्मनी में हाउस आर्ट कमाते हैं, वो नॉर्मली मतलब कि उनकी सैलरी होती है, ज्यादा पैसे नहीं वो कमा सकते हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, लेकिन ये दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, हमारे यूके में जो जीपीस की सैलरी है या जीपीस की जो अर्निंग है इज मोर देन कंसल्टेंट्स द वे प्राइमरी केयर फिजिशियंस वर्क, सो ऑब्वियसली दिस इज क्वाइट डिफरेंट। जर्मनी में सबसे ज्यादा जो पैसे कमाते हैं वो एनेस्थेसिस्ट कमाते हैं, यानी कि उनको कई दफा 120 यूरोस पर आवर की पे भी मिलती है कुछ जगहों पे, लोकम आप कहते हैं ना इंग्लिश में उसको, तो जर्मनी में भी उसको लोकम जो डॉक्टर्स करते हैं। तो एनेस्थेसिस्ट आप लगा लें और इमरजेंसी डॉक्टर्स, ये मुझे लगता है, और रेडियोलॉजिस्ट भी बहुत हाई सैलरी है उनकी, कोई शक नहीं। अच्छा शाहिद भाई, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, 2 मिनट हमारे पास रह गए हैं, अगर आप अपना कॉन्टेक्ट जो आपका फेसबुक पे है या जो आपके वो फेसबुक एड्रेस बता दें कि लोग किस तरह आपसे क्वेश्चन करें, या कोई लोगों ने काफी आपका वो पूछा हुआ है कि कौन, या वेबसाइट आपकी जो भी है, अगर वो आप काइंडली बता दें तो लोग नोट कर लें। अगर आप लोग सब कागज पेंसिल ले लें और नोट कर लें कि कौन सा फेसबुक है या कौन सी वेबसाइट है या कौन सा साइट है जिससे आपको जर्मनी के लिए कॉन्टेक्ट करना है। जी शायद भाई। जी, मेरा फेसबुक पेज है डॉक्टर अब्दुलरहमान शाहिद, सिंपल, उस पे आप मुझे कर सकते हैं कॉन्टेक्ट, और जो मैसेंजर के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं पाकिस्तानी डॉक्टर्स, और जो एक हमारा ग्रुप हमने बनाया हुआ है डॉक्टर जमाल और मैं, हम मिलके चला रहे हैं उसको, तो उस और एक और डॉक्टर भी हैं, अफरा सयाब, एक डॉक्टर अफरा सयाब हैं, डॉक्टर समर हैं, 3-4 डॉक्टर्स हैं जो पाकिस्तान से हम आए हुए हैं, तो उनसे भी आप रब्ता कर सकते हैं कि वो भी आपकी हेल्प कर देंगे इसमें। तो रेजिडेंसी फॉर पाकिस्तानी नॉन यू डॉक्टर्स, सॉरी, रेजिडेंसी फॉर नॉन यू डॉक्टर्स इन जर्मनी, ये एक पेज है, इसमें आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, तो इसमें मैं अक्सर पोस्ट वगैरह करता रहता हूँ, और जो डॉक्टर कोलीग्स हैं वो भी पोस्ट करते रहते हैं। तो बस रिक्वेस्ट ये है सब डॉक्टर्स से कि अगर वो फेसबुक मैसेंजर के थ्रू रब्ता करें तो पहले वो उस पेज को हमारे स्टडी कर लें, स्टडी करने के बाद फिर स्पेसिफिक क्वेश्चंस के साथ एक मैसेज में हमें वो लिख के भेजें कि जो उनके सवालात हैं, तो उस पे उनको जवाब इंशाल्लाह हम दे देंगे, और अगर ना कभी जवाब मिल सके तो रिमाइंडर करवा दिया करें, तो थोड़ा आपको पता है यूके में भी और यहाँ पर भी लाइफ कितनी बिजी है डॉक्टर्स की, तो इस वजह से थोड़ा कभी मुश्किल हो जाता है जवाब जल्दी देना, तो उनको जवाब उस पर मिल जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। इरफान, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, काफी क्वेश्चंस हैं के रिपीट करने के ना, तो बताना ये कि ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी एप्स यूके की पेज पे भी, वेबसाइट पे भी, किसी ने सुननी है तो दे कैन लिसन टू इट फ्रॉम स्क्रैच। थैंक यू फॉर। जी जी, थैंक यू जी। तो उसे मेरा ख्याल है कि वी विल आल्सो मतलब रिकमेंड कि आप प्लीज ये जो फेसबुक स्ट्रीम है अगर आप उसे शेयर कर दें
क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हमें लाइव ज्वाइन नहीं कर सके, क्योंकि बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन डॉक्टर शाहिद ने हमें दी है. उसके अलावा मैंने साइट पे अपना चैट में अपना नंबर लिख दिया, तो अगर आप फॉर एग्जांपल आपको डिफिकल्टी हो रही है डॉक्टर शाहिद से कनेक्ट होने में, तो प्लीज आप मुझे मतलब आप यूके को मैसेज अगर भिजवा दें तो हम वो मैसेज जो है ना आपसे कनेक्ट करवा देंगे. क्योंकि होता ये है कि अगर हर मतलब एवरी इंक्वायरी इज सेम, तो हम उसे अगर मतलब ना समराइज कर देंगे, ऑल क्वेश्चंस कैन बी टुगेदर, सो इट मेक्स मच इजी, वरना टू मेनी क्वेश्चंस को डील करना भी टाइम वाइज मुश्किल हो जाता है. और ये जो वेबिनार है इसकी रिकॉर्डिंग एप्स यूके पेज के ऊपर भी अवेलेबल होगी, पेज पे भी, फेसबुक पे भी, दोनों जगह पे. Thank you. So, Michal, I think we are running short of time now. So, I would like to say thank you very much to Dr. Abdul Rahman Shahid, to Nabeel Sami, who has joined from Canada, Abdul Hafiz Bhai, Irfan Rashid, all thank you very much. So, inshallah, see you soon on next webinar of Apps UK. Thank you, Dr. Shahid, for your time. Thank you. I really appreciate your time. Keep doing good work. Thank you.